अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड नेटवर्क विद निदा कादिर। आज हम बनाएंगे सरसों का साग। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर सरसों का साग जो है वो कटिंग अभी रहती है, इसे साफ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जी, यहाँ पर मैंने जो सरसों वाला है उसे बॉयल होने रख दिया कटिंग करके, और ये है बाथू, इसको भी मैंने कटिंग कर लिया। अब पालक को भी मैं कटिंग करके और बॉयल कर लूँगी। तीनों को अलग अलग हमने बॉयल करना है और फिर छान के फिर एक कर लेना है। मगर अभी आपने अलग अलग करके ना इसका पानी जो है ना वो अच्छी तरह निकाल लेना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो हमने यहाँ पर तीनों चीज़ों को बॉईल कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। बॉईल करके इसमें ये छोटी और बड़ी हरी मिर्चें हैं ना, हमने साबुत डाल दिए हैं, और ये एक कप मूंग की छिलके वाली दाल डाल दी, हरी दाल। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे। नमक आपने अभी थोड़ा ही डालना है क्योंकि पालक में भी नमक होता है। तो अब हम इसे ढक के ना अच्छी तरह मिक्स करके दाल और साग को, पालक को, और इसे ढक के रख देंगे कि ये बिल्कुल गल जाए। देर लगेगी काफ़ी, तो हमने बीच में चम्मच चलाते रहना है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको स्पीड अप करके दिखा दूँगी। तो अब हम इसे ढक के रख देते हैं। जी, तो अब हमने इसका लेड उठाया है, तो इसमें थोड़ा सा पानी है और दाल बिल्कुल गल चुकी है, साग भी बिल्कुल गल गया है। अब बस हमने इसमें घूटा लगाना है, ये घूटा होता है ऐसा, इसको अच्छी तरह से अपनी सारी ताकत इसमें लगा देनी है, तो फिर ही आपका साग जो है वो मज़ेदार बनेगा। और हरी मिर्ची जो है वो बिल्कुल मैश कर देनी है इसमें, और आपने इसे बस घोटा लगाते जाना है जब तक कि ये अच्छी तरह से मैश ना हो जाए। ऐसे ना हम अब करते जाएंगे। धुआं काफ़ी उठ रहा है, तो मुझे मोटा मोटा पसंद नहीं है बिल्कुल, यानी बारीक होना चाहिए ना, खाने में मज़ा आए, मोटा मोटा खा के क्या फ़ायदा। तो इसे बिल्कुल हम बारीक कर लेंगे। कटिंग भी जो हमने की थी ना वो मशीन से की थी, तो बिल्कुल वो बारीक हो गया था, तो आधा तो उसी ने काम कर दिया था, आधा ये घोटा कर देगा। अगर फिर भी ना हो तो ग्राइंडर जिंदाबाद, तो उससे आप कर लें, कोई मसला नहीं है। अगर आपके हाथ इससे है ना यूँ थकते हैं तो ये हम करेंगे अच्छी तरीके से। फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। ये मैं अच्छी तरह इसको घोटा लगा रही हूँ, फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। जी, तो इसे घोट घोट के ये बिल्कुल ऐसा हो गया, ये देखें। अब हम इसमें डालेंगे नमक, मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो नमक ऐड कर देते हैं। मिर्ची जो है वो बिल्कुल सही है, और इसमें है ना थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है, तो मिर्ची मैंने बहुत ज़्यादा डाली थी, हरी मिर्च। हम ये दही को अच्छी तरह फेंटेंगे, और इसमें ये 2 से 3 चम्मच जो हैं बेसन के हैं ये डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये दही और बेसन हम इसमें डाल देंगे पूरा अच्छी तरह से, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। और आपने इसे इतना ज़्यादा पकाना है ताकि बेसन की है ना जो कच्चापन है ना वो ना इसमें आए, बहुत अच्छी तरीके से ये पकेगा। अच्छा, पकते हुए ना छींटे बहुत ही उड़ाएगा, तो अपना है ना हाथ बचाइएगा ज़रा। ये देखें, बिल्कुल इसमें दाल भी नज़र नहीं आ रही, और वो
कोई मोटा मोटी चीज़ भी नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल सही हो गया ये। मगर बस इसे अब इतना हमने पकाना है कि ये ना इसका जो कच्चा बेसन का है ना वो जायका ना आए बस। दूसरा चम्मच ले लेती हूँ मैं। अभी देखें ये उड़ना स्टार्ट हो गया है, तो इसका ढक्कन भी ढक दें आप ताकि ये आराम आराम से ना पकता रहे, नीचे ना लगे, इसलिए दूसरे चम्मच से ना ये यूँ आप कर दें। ये देखें अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं, जब तक इसे ढक के ना पकाते हैं। जी यहाँ पर जो है वो तड़का रेडी हो रहा है। तड़के के अंदर हमने सिर्फ लहसुन और हमने डालना है यहाँ सफ़ेद ज़ीरा। इसका जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अच्छी तरह से हम इसे ना गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जी तो ये वो रेडी हो गया, अब हम इसमें डालते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ डिश आउट करके। जी तो यहाँ पर मज़ेदार हमारा सरसों का साग जो है वो रेडी है, और ये हमने रोटी को जो है ना वो घी से अच्छी तरह से लगा लिया इस पर। हमारी ज़ुबान में कहते हैं रोटी को चुपड़ लिया है घी से, तो ये हम खाएंगे मज़े से। तो सर्दियाँ तो जाने वाली हैं, ऑलमोस्ट जा ही चुकी हैं, मगर हमने कहा कि चलें आपसे शेयर कर दें थोड़ा सा सरसों का साग। तो इसके साथ तो वैसे मकई की रोटी होनी चाहिए, मगर हम सादी रोटी से ही इसे इंजॉय करेंगे। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।